तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे एनएलपी के अंडर आने वाली कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो देखा था एनएलपी करने के लिए, एनएलपी के ड्यूरिंग द एनएलपी जो भी पाइपलाइन में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें स्टेप वन स्टेप टू, मैंने स्टेप वन बताया था आपको, सेंटेंस सेगमेंटेशन, वर्ड टोकनाइजेशन, लिमिटाइजेशन, आइडेंटिफाइंग स्टॉप वर्ड्स। अब हम ये सब देखेंगे कि इनको किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब पहली जो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा सेंटेंस सेगमेंटेशन। ये इसका हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ मैं जो यूज़ करने वाला हूँ लाइब्रेरी वो यूज़ करने वाला हूँ स्पेसी। यहाँ पर एस स्मॉल है सी कैपिटल है, स्पेसी इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं PIP इंस्टॉल स्पेसी। ये आप इसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके फंक्शंस को और इनके मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक मॉडल जो यूज़ होता है वो है हमारा EN कोर वेब SM। इस मॉडल की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो इसको भी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने जब इसको इंस्टॉल किया था तो क्या किया था, देखिए मैंने ये लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं Python माइनस एम। यहाँ मैं इसको एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है Python, एक बार आप स्पेसी इंस्टॉल कर लें उसके बाद आप Python, ये PIP से इंस्टॉल नहीं होता, Python माइनस एम उसके बाद स्पेसी और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा डाउनलोड EN कोर और ये वाला पार्ट ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आप नीचे देख सकते हैं ये जो इंस्टॉल किया हुआ है ये इस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। एक बार ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद हम लोग प्रोग्राम पर आते हैं। तो मैंने तो ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर ली है, हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर और प्रोग्राम टाइप करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको काम कराना है। सेंटेंस सेगमेंटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ है, दो या तीन उसमें सेंटेंस हैं, तो हर सेंटेंस वो अलग अलग सेंटेंस के पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग, यानी कि हर लाइन में एक नया सेंटेंस हमारा आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ इस प्रोग्राम को। सबसे पहले जो हम लें वो हम लोग लिखते हैं, इम्पोर्ट कर देते हैं, इम्पोर्ट स्पेसी। उसके बाद यहाँ पर एक जो मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा स्पेसी डॉट लोड, इसको मैं लोड कर देता हूँ। और ये है हमारा EN अंडरस्कोर कोर, ये बहुत सी जगह यूज़ होता है, वेब अंडरस्कोर SM, इसे मैंने यहाँ पर लोड कर दिया है इस मॉडल को। आगे देखते हैं अब हमको क्या चाहिए, हमको टेक्स्ट चाहिए वो भी यूनिकोड में चाहिए। तो यहाँ हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर पूरा टेक्स्ट ले लेते हैं, तो NLP। और आप चाहें तो टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ मैं पहले इसी में टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो इस टेक्स्ट को लिख देता हूँ मैं, देखिए चलिए मैं लिख देता हूँ IM यशवंत पाठक, फुल स्टॉप लगाता हूँ, फिर से लिखता हूँ आई रन यूट्यूब चैनल और फुल स्टॉप लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ आई स्टडी कंप्यूटर साइंस। ये इस तरीके से मैंने ये एक तीन सेंटेंसेस ले लिए हैं इसमें। आगे देखते हैं, अब मैं इसी को प्रिंट करा देता हूँ, ये फॉर और यहाँ पर सेंट, सेंट आपको ये भी लाइब्रेरी मिलेगा इन डॉक डॉट सेंट्स, यहाँ पर सेंट्स यूज़ करेंगे और ये रहा। अब मैं कराता हूँ प्रिंट, प्रिंट करा लेते हैं हम लोग सेंट को, इसके अंदर हमारा ये आउटपुट आएगा। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा देखिए ये सब अरेंज हो गया क्योंकि इसमें मैंने ऑटो PIP 8 इंस्टॉल किया हुआ है। तो एक बार मैं इसको करता हूँ रन और फिर देखते हैं अगर कोई इसमें कोई एरर आ रही है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं आया, ओके ना अब ये ठीक है, एक बार फिर से रन करता हूँ।
प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। नीचे आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आया है, अब हम इस आउटपुट को देखते हैं। अगर आप आउटपुट देख पा रहे हो, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये दिखने लग जाएगा। देखिए आप, यहाँ पर ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये इसने एक पैराग्राफ को उसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस थे उनको अलग अलग ब्रेक कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मैंने यहाँ पर ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहें तो पूरा का पूरा एक टेक्स्ट फाइल भी इसमें लोड करा सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी वो हमारी थी सेंटेंस सेगमेंटेशन, और सेंटेंस सेगमेंटेशन यहाँ पर हमने देखा है ये स्पेसी के थ्रू देखा है। आप चाहें तो NLTK का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप सेंटेंस सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अगला जो पार्ट हमारा आएगा वो आएगा हमारा वो है वर्ड टोकनाइजेशन, या टोकनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन यानी कि ब्रेकिंग द रॉ टेक्स्ट इनटू अ स्मॉल चंक्स, ठीक है। तो ये कैसे करना है ये हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और अब हम देखते हैं एक दूसरा प्रोग्राम। ये भी हम देखेंगे NLP के माध्यम से ही। तो स्पेसी और NLP और जो EN Core Web SM इसका भी हमको यूज इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर से वही करते हैं और यहाँ मैं कुछ और चीज़ देने वाला हूँ NLP। एक दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ। यहाँ मैं देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं हे और गुड मॉर्निंग और उसके बाद ये इस टाइप का साइन, चलिए ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हम मैं एक वेरिएबल ले लेते हैं, टोकन ले लेते हैं। चलिए टोकनाइजेशन कर रहे हैं तो टोकन ले लेते हैं। इन डॉक फॉर लूप लगा दिया क्योंकि हमको पूरा सा प्रिंट कराना है। ये प्रिंट करता हूँ मैं टोकन डॉट, वहाँ पर सेंड्स था, यहाँ पर हम टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसे मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ये सेव हो चुका है। रन करते हैं देखते हैं कोई एरर है इसके अंदर या नहीं। ये बुक, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, चलिए आप समझ जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो अलग अलग एक ही सेंटेंस के अलग अलग चंक्स इसने बना दिए हैं। चंक्स क्या होते हैं देखिए, CHUNKS चंक्स। तो यहाँ पर देखिए ये हे अलग हो गया है, गुड अलग हो गया है, यहाँ पर स्पेलिंग जरूर गलत हो गई है, और मॉर्निंग अलग हो गया है, ये तीनों चीज़ें अलग हो गई हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी वाला साइन ये भी अलग हो गया है। तो ये हे गुड और मॉर्निंग ये तीन अलग अलग चंक्स बन गए हैं, चार इसमें चंक्स बनाए हैं। तो ये जो चीज़ है चंक्स, यानी कि इन्हीं को हम लोग कहते हैं टोकन्स। ये था हमारा वर्ड टोकनाइजेशन, दूसरा सेंटेंस टोकनाइजेशन भी होता है इसमें। अच्छा अभी ये काम कैसे करता है ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसका, ये जो काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को हम लोग लेते हैं और अब हमारा पार्ट जो चालू होता है NLP वाला। तो ये टोकनाइजर जो है, यहाँ पर हम लोग टोकनाइजर स्पेसी का टोकनाइजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और टोकनाइजर जो है अभी ये इसने टेक्स्ट दे दिया इधर, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा टैगर, पहले टैगर के पास जाएगा, उसके बाद ये जाएगा हमारा पार्सर के पास, उसके बाद ये जाएगा हमारा NER। NER के बारे में अगर आप जानते हो, NER जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, NER नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये NER के पास चला जाएगा। अगला फिर उसके बाद जो होगा ये यहां से आउटपुट आएगा हमारा ये डॉक्यूमेंट पर, और जो NLP वाला पार्ट है हमारा वो पूरा काउंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का,
ये पूरा पार्ट हमारा NLP में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड का टोकनाइजेशन हो जाता है। आप चाहें तो अपना टोकनाइजर खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हम एक काम करते हैं, एक ब्लैंक टोकनाइजर बनाते हैं। ब्लैंक टोकनाइजर किस तरीके से बनाना है ये हम लोग देखते हैं, और ये ब्लैंक टोकनाइजर किस तरीके से काम करेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो उसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक प्रोग्राम। तो एक ब्लैंक टोकनाइजर के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ब्लैंक टोकनाइजर बना दिया है, और जब हम इसे रन करके देखेंगे तो देखते हैं कि किस तरीके से ये टोकन्स में इसको कन्वर्ट कर देगा, एक ही सेंटेंस के अलग अलग टोकन बना देगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लेट्स गो टू ग्वालियर। अब इनमें टोकन कौन कौन से बनेंगे, तो पहला बनेगा लेट्स, अगला बनेगा गो, और टू भी बनेगा और ग्वालियर भी बनेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टोकन बनाएंगे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, और रन करके फिर मैं देखते हैं हम लोग ये किस तरीके से काम करेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, रन देख करके देखिए आप इधर नीचे, ये रन हो चुका है, अरे दोबारा रन हो गया। चलिए, तो यहाँ अगर आप इसका आउटपुट देखें तो आप देखेंगे, ये देखिए लेट्स, उसके बाद कॉमा गो, उसके बाद कॉमा टू, के बाद कॉमा ग्वालियर, के बाद कॉमा, ये इसने अलग अलग टोकन इसमें बना दिए। तो ये दूसरा तरीका है जहाँ पर हम लोग इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, एक ब्लैंक टोकनाइजर बना रहे हैं, ठीक है, विथ इंग्लिश वोकैब। अगर हम इंग्लिश यहाँ बात करें तो हम लोग इंग्लिश के लिए यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रहे आप एक चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा टोकनाइजर। आगे हम लोग देखेंगे कि स्टेमिंग क्या होती है। स्टेमिंग हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, प्रैक्टिकली इसमें करके देखेंगे कि स्टेमिंग को किस तरीके से करा जा सकता है। तो इसे मैं हटाता हूँ, इस प्रोग्राम को इरेज करता हूँ, और देखते हैं स्टेमिंग। जिन लोगों को स्टेमिंग नहीं पता है तो बता दूं कि स्टेमिंग करने के लिए पहली बात तो हमको स्पेसी लाइब्रेरी में स्टेमिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, स्पेसी में हम लोग कोई फंक्शन नहीं है स्टेमिंग के लिए। अच्छा, अभी हम जो टोकनाइजिंग कर रहे थे, यहाँ हम टोकनाइजिंग करने के लिए अभी मैंने जो लाइब्रेरी यूज़ करी है वो स्पेसी यूज़ करी है। आप चाहें तो NLTK भी यूज़ कर सकते हैं, अधिकतर लोग NLTK को प्रेफर करते हैं, मैं स्पेसी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपको जिसमें जैसा आपको सही लगे वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, अधिकतर स्पेसी में सभी काम हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेमिंग की बात करूँ, स्टेमिंग की बात करूं तो स्पेसी में स्टेमिंग के लिए कोई फंक्शन अभी तक तो नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में है तो अभी तक स्टेमिंग के लिए कोई फंक्शन नहीं है। आगे आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक स्टेमिंग के लिए नहीं है। अब स्टेमिंग है क्या, स्टेमिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टेमिंग, फिर से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दे दूँ स्टेमिंग की। स्टेमिंग वर्ड को नॉर्मलाइज करने के लिए मैं जो यूज़ करते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि इंटेलिजेंट, अगर मैं कहूँ तो इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ये सब इंटेलिजेंट से बने हुए हैं, ये सब चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ हम लोग एक प्रोग्राम में एग्जांपल लेंगे कनेक्ट का। अगर मैं कहूँ कनेक्ट, ठीक है, यहीं कनेक्ट शब्द से ही बना हुआ है कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्ट से ही बना हुआ है कनेक्शन। शब्दों के बीच का जो संबंध है वो किस से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो ये अगला अगर मैं देखूं और कौन कौन से हो सकते हैं, कनेक्टेड, कनेक्टेड शब्द भी कनेक्ट से ही बना हुआ है, और कनेक्ट्स अगर मैं कहूं, दिस वायर कनेक्ट्स टू टर्मिनल,
और ये कनेक्ट्स भी हमारा कनेक्ट से ही बना हुआ है, ये एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं, इनको हमको पहचानना है। तो स्टेमिंग के लिए हमारे पास कोई लाइब्रेरी तो है नहीं, किसके किस में स्पेसी में नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे NLTK नेचुरल लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया था NLTK लाइब्रेरी इसमें यूज़ करेंगे। देखिए बहुत सी लाइब्रेरीज के बारे में मैंने पिछली बार आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ये जो चीज़ अभी है ये नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है, स्पेसी से हम दो प्रोग्राम देख चुके हैं, अब हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो NLTK देखेंगे। टेक्स्ट ब्लॉक भी है, कोर NLP है, जेनसिम भी है, लेकिन अधिकतर जो यूज़ होने वाली वो स्पेसी और NLTK ही ज़्यादातर यूज़ होती है। अब चलते हैं प्रोग्राम पर और प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे हमको करना है। तो चलिए देखते हैं स्टेमिंग। अब स्टेमिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पोर्टर स्टेमर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो काम है आपको यहाँ जाना है और NLTK इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अगर NLTK नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो अब क्या करें भाई, तो सबसे पहले NLTK हम लोग इंस्टॉल करते हैं। टर्मिनल पर जाएंगे और टर्मिनल पर हम लोग लिखेंगे PIP इंस्टॉल --- यूजर, अगर आप नहीं लिखना चाहें यूजर तो कोई दिक्कत नहीं है, -u और NLTK। यू कैपिटल में है जी। चलिए ये इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल हो रहा है NLTK। दूसरा, इसमें आपको NumPy की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपके पास NumPy, अधिकतर के पास होगा ही, जो लोग इस टाइप के प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो NumPy का यूज़ करते ही हैं, अगर NumPy नहीं है तो NumPy भी हम लोग NumPy भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। PIP इंस्टॉल NumPy, ये ऑलरेडी इसके अंदर है। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको यूज़ करना है, स्टेमिंग कैसे करना है। तो स्टेमिंग के लिए सबसे पहले हम लोग पोर्टर स्टेमर यूज़ करते हैं। पोर्टर स्टेमर यूज़ करने के लिए फ्रॉम NLTK.stem, इनसे हम लोग को यूज़ इंपोर्ट कराना है पोर्टर स्टेमर, पोर्टर स्टेमर ये आ गया भाई, पोर्टर स्टेमर। दूसरा, अब हमको जो पोर्टर से क्या करना है, पोर्टर के अंदर यहाँ पर हम पोर्टर वेरिएबल में ले लेते हैं पोर्टर स्टेमर फंक्शन को आ देते हैं भाई। चलिए ये हो गया है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं वर्ड्स को डाल देते हैं, वर्ड्स जो भी हम लोग वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं उनको इसके अंदर लिख देते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कनेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से हैं, कनेक्टिंग के अलावा कनेक्टेड भी है, कनेक्शन भी हो सकता है, कनेक्शन हो गया। चलिए इतने ही बहुत हैं, ठीक है। वर्ड्स के बाद यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया, आगे देखते हैं। और अब हम क्या करते हैं, पोर्टर स्टेमर, अब इनको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। चलिए एक फॉर लूप लगा देते हैं और फॉर वर्ड इन, ये किस में जा रहे हैं, वर्ड्स में जा रहे हैं ना, वर्ड्स में, ओके। चलिए और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट करा देते हैं वर्ड कॉमा और एक एरो, एक इंडिकेशन के लिए कुछ बना देते हैं इधर। चलिए ये प्लस प्लस तो नहीं, ये ऐसा बना देते हैं। चलिए ये बन गया हमारा एरो, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद पोर्टर डॉट स्टेम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो पोर्टर वेरिएबल हमने बनाया था जी, पोर्टर डॉट स्टेम, ठीक है। स्टेमर के लिए, स्टेमिंग के लिए स्टेम, और स्टेम के अंदर हमको कौन कौन से, किसको स्टेम करना है, इन वर्ड्स को स्टेम करना है, वर्ड वेरिएबल में है जो वर्ड के अंदर आ गया है वर्ड्स, ओके, फॉर लूप में इनको स्टेम करा देते हैं।
कंट्रोल एस करता हूँ, ये हमारा अरेंज हो गया है। चलिए अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो अब रन करते हैं हम लोग और यहाँ आप देखेंगे, देखिए कनेक्ट, ये भी कनेक्ट, कनेक्ट्स जो है वो कनेक्ट से रिलेटेड है, तो ये इधर आ गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। रुकिए मैं इस मार्कर से आपको और समझाता हूँ। देखिए ये इस आउटपुट को देखिए आप, ये कनेक्ट, ये वर्ड है, वर्ड कौन सा है, कनेक्ट, कनेक्ट्स जो है वो भी किससे रिलेटेड है, कनेक्ट से, ठीक है। अगला जो वर्ड आएगा इसमें कनेक्टिंग, वो आएगा यहाँ पर, ये कनेक्टिंग, कनेक्टिंग किससे रिलेटेड है, ये भी कनेक्ट से रिलेटेड है, कनेक्टेड ये भी कनेक्ट से रिलेटेड है, और कनेक्शन ये भी कनेक्ट से रिलेटेड है। अच्छा ये क्या है, ये एरो की तुमने यहाँ, ये एरो तुमने बनाया है इसको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो आउटपुट आया है, इससे आप समझ सकते हैं कि स्टेमिंग क्या चीज़ होती है। जो भी आपसे आपस में मिलते जुलते शब्द हैं वो बने किससे, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो उसको इससे ले लेता है। देखिए और यहाँ कनेक्ट कहीं नहीं है, देखिए आप कनेक्ट, कनेक्टिंग, कनेक्टेड, कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा पोर्टर स्टेमर, पोर्टर स्टेमर, स्टेमर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये पोर्टर स्टेमर था। इसके बाद एक और स्टेमर आता है, देखिए दो तीन स्टेमर जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली, वो कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला जो स्टेमर हमको पढ़ना है वो है हमारा स्नोबॉल स्टेमर, स्नोबॉल स्टेमर। ठीक है, एक तो स्टेमर ये हो गया और दूसरा एक और है लैंकास्टर स्टेमर, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, आर ई जी ई एक्स पी, ई स्मॉल है, जी हाँ स्मॉल ही होता है इसमें, स्टेमर, ठीक है। ये पढ़ना है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीन स्टेमर हैं, इन तीनों को हम लोग देखते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। चलिए इसे मैं हटाता हूँ और हम देखते हैं स्नोबॉल स्टेमर। स्नोबॉल स्टेमर के लिए इस प्रोग्राम को मुझे करना पड़ेगा क्लियर। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया प्रोग्राम, अब इसको मैं करूँगा रन। देखिए यहाँ पर एक मिनट, हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्नोबॉल स्टेमर, है ना। अब स्नोबॉल स्टेमर पिछला जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो थोड़ा अलग स्टेमर था, ये हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो स्नोबॉल स्टेमर है, वो पोर्टर स्टेमर था, ये स्नोबॉल स्टेमर है। अब इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ देखिए मैंने वर्ड्स डाल दिए हैं, जनरस, जनरेट, जनरसली, जनरेशन। तो देखिए यहाँ पर जनरस और जनरसली एक टाइप के शब्द हैं, जनरेट अलग है और जनरेट और जनरेशन एक टाइप के शब्द हैं, जनरेट जेनेटिक्स, जेनेटिकली और जीन्स, ये तीनों एक जैसे से मिलते जुलते हैं। लेकिन अब ये जो स्टेमर है ये इनके पास जो मॉडल है वो उसके हिसाब से इसको लेगा और फिर इन वर्ड्स को अरेंज करेगा। तो पहले चलिए हम इसको रन कराते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप जनरस, जनरस हो गया, जनरेट, जनरेट हो गया, ये ई हट गया इसमें से, जनरसली का जनरस हो गया, जनरेशन का जनरेट। फिर देखिए ये दोनों शब्द को एक साथ ही मिला दिया है, इन दोनों, ये जनरेट और जनरेशन, ये दोनों इसी से निकले हुए हैं। जेनेटिक को इसने जेनेटिक को जेनेट बना दिया और जेनेटिकली को जेनेटिकलाई बना दिया, जीन्स को उसने जीन बना दिया। तो ये इनके पास जो मॉडल अवेलेबल है वो उसके हिसाब से इसको ये अलग अलग कर लेते हैं। समय समय पर ये अपडेट होते रहते हैं तो आपको अपडेट करना होता है। ये था हमारा पोर्टर, सॉरी स्नोबॉल स्टेमर। अगला जो स्टेमर है वो है हमारा लैंकास्टर स्टेमर। लैंकास्टर स्टेमर को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग, जहाँ पर स्नोबॉल है यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये स्टॉर्म स्नोबॉल, इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और nltk.stem स्नोबॉल तो नहीं चाहिए, यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट, और लैंकास्टर स्टेमर आ गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ पर एक बना देते हैं लैंकास्टर नाम का वेरिएबल, और यहाँ से हम लोग लैंकास्टर स्टेमर का जो इस फंक्शन को इसमें डाल देते हैं। चलिए एक काम हो गया हमारा, और ये यहाँ पर इंग्लिश सेट करने की आवश्यकता है, डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहती है शायद इसमें, चलिए आई एम नॉट श्योर, बट इसकी आवश्यकता नहीं है हमको, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आ गए हैं वर्ड्स, वर्ड्स में फिर से हमने यही सब भर दिया है, ठीक है। और फॉर वर्ड्स इन वर्ड्स इस प्रोग्राम को छोटा किया जा सकता है शायद, थोड़ा सा ये सब हटा देते हैं और यहीं पर फॉर वर्ड्स, नो नो नो, वर्ड इन वर्ड्स ऐसा करते हैं अभी, ठीक है। अब क्या करें, प्रिंट करा देते हैं सीधा, प्रिंट वर्ड कॉमा और एक वो एरो की बनाते हैं जो अपन, जिससे कि थोड़ा सा लग जाता है आइडिया ये क्या है। अब ये हटा देते हैं और यूज़ कर लेते हैं लैनकास्टर स्टेमर है इसमें आ गया है, नहीं ये नहीं, लैनकास्टर डॉट स्टेम यूज़ करना है और इसके अंदर पास करना पड़ेगा हमको वर्ड, वर्ड्स नहीं वर्ड पास करना है, ध्यान रहे आप, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, हाँ ठीक है, तो वर्ड ही पास करना है। चलिए ये हो गया है, कंट्रोल एस करते हैं, अरेंज हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग चला के देखते हैं, अरे क्या हुआ भाई, चलिए इसको नीचे वाले को क्लियर करते हैं, अब देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। प्रोग्राम को करता हूँ मैं रन, ये देखिए ये चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस, ये देखिए ये स्टैमर अलग है, इसने इसने क्या किया है, शुरू के तीन लेटर्स को उठाया है, जी एन जी एन जी एन सब एक जैसे मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ इसको लगा कि ये कुछ अलग है, ये इन सब में आर था, देखिए जी एन ई आर जी एन ई आर जी एन ई आर, तो जी ई एन कर दिया, यहाँ जी एन ई टी था, ये जेनेट से उठा लिया जी एन, ये जेनेट टिका कर लिया, और ये जी ई एन था इसको भी जी ई एन कर लिया। तो ये देखिए ये स्टैमर कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, वो स्टैमर कुछ अलग तरीके से काम करता था। तो ये था हमारा लैनकास्टर स्टैमर, ये हर स्टैमर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अभी एक स्टैमर और बचा हुआ है, वो है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन स्टैमर, तो इसको देखते हैं। तो ये था हमारा क्या था भाई, ये थोड़ा सा इसको लिख दूं यहाँ पर, ये था हमारा लैनकास्टर स्टैमर, लैनकास्टर स्टैमर, ठीक है। और ये इसका आउटपुट निकला है, देख सकते हैं आप, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अगला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, रेगुलर एक्सप्रेशन स्टैमर, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, हटाइए यहाँ से ये स्टैमर। अब ये काम करते हैं, वर्ड्स यही रहने देते हैं, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ये इसमें ले लेते हैं। अच्छा, इसमें जो लिखने का तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन इसका थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, अगर हो सकता है इसी प्रोग्राम से बन जाए तो ठीक है, नहीं इसमें चेंजेस कर देंगे हम लोग। तो ये सब इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहाँ हमको क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए इसमें क्या करने हैं हम लोग, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स को हम लोग करते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आई एन जी होता है, एबल होता है ना, जैसे कि मैं कहूँ कि इट इज़ रनेबल और राइटेबल है ना, सिंगेबल, और ये सब चीज़ें, या सिंगिंग, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अब इनसे क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना हमको, किसका यूज़ करके, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके। चलिए कैसे करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़, तो एनएलटीके तो हमने कर ही दिया यहाँ पर, फ्रॉम, और एक क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम एनएलटीके, कैसे यूज़ करेंगे इसको, एनएलटीके डॉट स्टेम, स्टेम आ गया जी, स्टेम है इसमें, इम्पोर्ट, इसको ऐसे इम्पोर्ट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन है क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन स्टैमर मिल गया, मिल गया भाई। चलिए अगर आप एनएलटीके लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। एक वेरिएबल फिर से बना देते हैं, चलिए ये बना दिया हमने एक वेरिएबल, कुछ भी नाम से बना देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं वही रेगुलर एक्सप्रेशन स्टैमर, और इसको बना देते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें पास करना पड़ेंगी, क्या, जैसे कि ing, ठीक है। उसके बाद इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यहाँ हम लगाएंगे डॉलर साइन, उसके बाद डॉलर के बाद इसमें पाइप आता है, पाइप ये रहा, और फिर एस, फिर डॉलर, फिर ई, फिर से पाइप, डॉलर एस डॉलर, उसके बाद फिर पाइप आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए ई, ये ई ले लिया हमने, उसके बाद फिर आना चाहिए यहाँ पर डॉलर,
उसके बाद आना चाहिए फिर से ये, उसके बाद एबल, ये हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन ले रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जैसे ये मॉर्फोलॉजिकल जो शब्द हैं एक जैसे दिखने वाले हैं उनको छांट लेगा, और यहाँ पर हम लोग मिनिमम ले लेते हैं 4, ठीक है। अभी ये ठीक है, एबल हो गया, ई हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर कोई गलती होगी तो हम रन करके देख लेंगे। पहले मैं प्रोग्राम को टाइप कर लेता हूँ फटाफट से, वर्ड्स इक्वल टू, और ये वर्ड्स हम यहाँ पर अब क्या ले लें, चलिए कुछ वर्ड्स नए वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे कि मास, ठीक है, और ये हो गया वाज, बी, इसके अलावा कंप्यूटर भी ले लेते हैं, चलो कहाँ जाएगा, और क्या होगा, एडवाइजेबल, चलिए बहुत है, इतने वर्ड्स बहुत हैं। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं फॉर, वर्ड इन वर्ड्स, ओके, वही सब पुराना, और यहाँ पर फिर से वही प्रिंट करा देते हैं वर्ड को, कॉमा, ये हो गया, ये एरो बना देता हूँ मैं हमेशा की बात ही, और यहाँ हम लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन है, आ गया भाई आ गया, स्टेम का यूज़ कर लेते हैं, स्टेम, और स्टेम के अंदर पास कर देते हैं वर्ड को, चलिए ये ठीक हो गया, सेव करते हैं, चला के देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एरर दिखाई दे रही है कुछ, एक ये एक कुछ कहीं लगाना, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेमिटाइजेशन। लेमिटाइजेशन देखेंगे हम लोग एनएलटी का, एनएलटीके का यूज़ करके। अभी सेंटेंस सेगमेंटेशन और टोकनाइजेशन, और टोकनाइजेशन के बाद जो हम लोगों ने स्टेमिंग पढ़ा था, स्टेमिंग के बाद अब ये जो टॉपिक आता है वो है लेमिटाइजेशन, और ये हम लोग देखने वाले हैं एनएलटीके का यूज़ करके। स्पेसी इस बार यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, एनएलटीके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये लेमिटाइजेशन है क्या। इट्स ए काइंड ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर द डिफरेंट इन्फ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड सो दे कैन बी एनालिसिस एज अ सिंगल आइटम। और स्टेमिंग एल्गोरिथम वर्क्स बाय कटिंग द सफिक्स फ्रॉम द वर्ड। एक्चुअली लेमिटाइजेशन इज मोर पावरफुल ऑपरेशन। ओके, सो हाउ कैन वी use limitation, or we can demonstrate limitation by using any Python program. So here is a Python program for limitization in which I am using word net limitizer. This can be imported using nltk.stem. So we let's move to the programming part. Let me clear this. Okay, now let's start typing the program. The first step is to import NLTK, and then from NLTK.stem import word net limitizer. I suggest you to use this auto typing or auto suggest words. Since if you type at your own, it maybe get some error. Just like it's W is capital, N is capital, L is capital. So if we type this whole word, there is a possibility of spelling mistakes that can cause errors. Now create a variable wordnet underscore lemmatizer. You can create any variable of your choice. So lemmatizer equal to wordnet and lemmatizer and this function. Okay, wordnet lemmatizer. I think there is some problem. We have to use this. Okay,
Now it is okay. Now we will input the text. Let's take some text. You can type the text here, or you can input the whole text file here. So I type studies studying, and let me take two more words, cries and cry. Okay, so these are the four words. And now I am using the tokenizer. Organization equal to NLTK dot word underscore tokenize. Okay, so we will tokenize the words, that is text. Let's pass this text variable in this function, and then for W in tokenization. Okay, tokenization. Is this correct? Yes. And just print in lemmatization, the unit, the basic unit is called lemma. So I will write here lemma for, and this is this. Okay, and then dot format in format function use w comma word net that variable we created, w comma word net lemmatizer. This one, okay, and one more thing, lemmatizer, and using this dot lemmatize W. I think it is all okay. So there are some errors which was caused by due to unavailability of some libraries. So in that case, you just go to your terminal and as you can see, go to Python terminal and then use this thing, just import NLTK and then NLTK dot download. Once you type this NLTK dot download, this kind of tab will be visible to you. So as you can see, you can download all the files or all the libraries, collection, packages, models and everything that you want to, that you need in your program. So I am now downloading all NLTK packages, all NLTK packages, NLTK dot underscore data. This status, now these are partially downloaded, some packages are available, some are not. So I am downloading all the packages. How can you use? Just by typing nltk.download at your Python terminal. Okay, so once you have to type Python, and then you will find this terminal, Python terminal, and then type this thing. So this tab will be opened and you can download this. So I'm waiting for these packages to be downloaded. Once these are downloaded, then my program will be run seamlessly. So let's wait for few more minutes. Till then I am pausing my screen recording. So the whole packages has been downloaded, and now I will run this program
एज यू कैन सी इट विल प्रिंट लेमा फॉर स्टडीज इज दिस एंड लेमा फॉर स्टडाइंग इज दिस लेमा फॉर क्राइज इज दिस लेमा फॉर क्राई इज दिस सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड वी विल सी द आउटपुट एज यू कैन सी लेमा फॉर स्टडीज इज स्टडी lemma for studying is studying studying is studying cries for cry and this for this so this is the feature of lemmatization it is grouping together the different inflected form of a word just like study studying studied and all things so as you see cries cry if it is cried Also, the lemma for cried is cry, crying for cry. So, I hope it is clear for you. So now, let's move to the another topic after the lemmatization. This is identifying stop words. Let me clear this. So, what are the stop words? First, we will see what are the stop words. See, NLTK has a list of stop words stored in a 16 different languages. So it has not only in English, but in French, German, American English, British English, and many more languages. Stop words are stored in NLTK. So we will use a list for English. So what are the stop words? Let me. Clear this just like a the and many more things we generally speak while speaking a language a natural language in our case we are just like we are speaking in English so in normal speaking of English we use a and the and in and many more things that are called stop words so that these words are removed when the language is processed okay so why these are used this is these are used for spam filtering okay and then for language classification and genre classification genre or genre one more some more examples are caption generation and auto tag generation so how can we remove stop words using NLTK let's see by using this program You will understand by using this program. So let's move to just let me clear this and then now we write a program. For this, you have to download all the packages available in NLTK for which I told you, I already explained you how to download this NLTK.download. And after this, your GUI window will be appear so you can download all your. Packages that are needed for your program so import NLTK and then from NLTK dot corpus corpus this is also available in NLTK dot download the GUI window you will find all corpus files in there so import stop words you needn't to do anything all the stop word list of the stop words has already been stored in NLTK library in all languages all available languages that are used in web or in programming all major languages like Hindi English and many other languages stop words are available so
सो सॉवर्स एंड देन फ्रॉम एनएलटीके डॉट टोकनाइज व्हाट आई हैव टू इंपोर्ट वर्ड टोकनाइजर is also needed, so I'm using importing word tokenize, and then we have to set stop words dot words, and then we have to specify the language English. Now text equal to, you have to put the text in triple 1, 2, and 3 like this. That sample text, so you have to anything you can put in this, just like whatever the text you have to put, you want to put. And now now I have to set the stop words equal to set, I have to do this again, stop words dot words and English. Now it's time to tokenize the word, the token of words. So word to token, create a variable word to word to word underscore token. Okay, now equal to, here I will use word tokenizer, word underscore tokenize, and then pass this text in this function. And now filter sentence, filter underscore sentence equal to put it blank. Okay, create a variable and put it blank. Now this is not yet over, so for run a loop for w in word tokens, what was the name, word underscore token, word token, okay, this thing is good. Good. If w not in stop underscore words, there was a mistake, I created a variable already that is present in keyword. So stop word is a keyword, stop words I created a variable. Okay, so here it is, stop words, that variable I created. Okay, now filtered sentence, filter underscore sentence dot append, you have to append this, append means editing or something, so append w. Okay, now print, now time to print these things, comma, slash n, again slash n, one more slash n. Okay, and then that original sentence, original sentence will print like this, and now again put slash slash two more slash.
प्रिंट program has been corrected, and now I will run this program. As you can see, the text is written here. There was a boy, his name was John, he lived in India. So we can remove some unnecessary word in this text, means we can compress it and we can remove unnecessary words. So in very using limited number of words, we can actually express this all sentences or paragraph or this text by using very limited words. So now I will run this program and let's see how can it filter this. Okay, so original sentence was, there was a boy, his name was John, he lived in India. And now the filtered sentence is, boy named John lived in India. As you can see, both the sentences has a same meaning or expression, but the second sentence is using only 1, 2, 3, 4, and 5 words only, and here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and many more things. So as you can see, a and in, these things, these words are removed, has been removed, and many more words that are unnecessary have been removed, and this sentence is compressed and having the same meaning. So this is very good thing. So this is called a lemmatization. This is called stop word removing. And now we will move to. You can also use spacey library while removing the space stop words. I use this using NLTK, and you can also use spacey for stop word removal. Okay, so I think hope this is clear, and now we will move to the next topic is this stop word using spacey. I am not showing you the program, but you can understand just by changing the library. This program is demonstrating using the NLTK library, and you can also remove the stop words using spacey and also using the gensim. So three libraries are available. It is up to you which library do you need. Okay, another thing is the next thing is counting POS tags, part of speech tags, POS tags. This is also a part of NLP pipeline. So let's see this using a program. Okay, so here is a sample program for POS tags. Okay, so here we will find determinant, verb, adjective, preposition and noun using this stop word library available in NLTK corpus, and I am also using that word tokenizer. You have to tokenize the words from the paragraph that you are using. Here is a sample text I took, and now I will run this program
एंड वी विल टोकनाइज द वर्ड फर्स्ट वी विल टोकनाइज द वर्ड एंड वी विल देन रिमूव और सॉरी और फाइंड द टैग्स पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट. ओके सो नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम एज यू कैन सी यू विल फाइंड सुकन्या एन एन पी मीन्स नाउन, राजीव एन एन पी, नवा एन एन पी, गुड इज दिस एडजेक्टिव, एन एन पी एन एन पी वी बी जी मीन्स वर्ब, मैरिड इज वर्ब, नेक्स्ट इज ये एडजेक्टिव, ईयर इज नाउन. ओके नाउन सो दीज आर द पी ओ एस टैग्स सो यू कैन कैटेगराइज और क्लासीफाइड बाई यूजिंग दिस एन एल टी के लाइब्रेरी. ऑल्सो यू कैन यूज स्पेसी फॉर दिस एंड ग्रामर यू टू इन दिस नीड टू डिफाइन अ पार्सर फॉर पार्सिंग द ग्रामर. Here I am using parser chunking and now the parser in this the parser will be parse the sentence and then the tokenizer will work on this. So you can also make a graph or you can draw this like a GUI or a tree. Using the output dot draw output, you can draw parser chunking the whole process of chunking in this by the parser. How can the parser is working? How is the parser working? So it will draw a diagram. So this is all about steps. Or NLP pipeline. I hope this will be helpful for understanding the NLP, and we will discuss more about NLP in upcoming videos, and we will see that programming and the technical representation of NLP. How can many more projects you can develop using the NLP? And hope you like this video. Thank you for watching and thank you for sparing the time. Please like this video and share with your friend. Thank you.